टीवी एम का साथ चलिए फैसलाबाद चल चला चल चला चल चल चला चल फैसलाबाद चल चला चल चला चल चल चला चल फैसलाबाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नामदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे भाई आप नगमे चला रहे हैं ना, उन्नी देर मैं गर्म होना थे ना इन्होंने गर्म होना जे वोट तू इज्जत दौर ना लाया थे। और चार्ज करने के लिए अगर तकरीर करवानी है तो पहले मिलकर नारा लगाएंगे, वो नारा जिससे हमारे दिल को ठंड पड़ती है और लोगों की टांगे कांप जाती है। वजीरे आजम नहीं नहीं, पाकिस्तान की बेटी नवाज शरीफ की बेटी फैसलाबाद में हो, और फैसलाबाद वालों आपका नारा पिंडी और इस्लामाबाद तक कर जाना चाहिए, इनकी टांगे कांपनी चाहिए। जरा भरपूर अंदाज में वजीरे आजम वजीरे आजम वजीरे आजम। और एक और नारा, क्योंकि कायदीन आने वाले हैं, थोड़ा खून को गर्माना चाहिए। और जो सुन रहे हैं और उनका नाम नहीं है उनको भी सुनाना चाहिए कि हम बात जो ड्राइंग रूम और मीटिंगों में करते हैं वही जलसों में भी करेंगे। मेरे साथ नारा लगाएं, मियां जिदो आएगा लग पता जाएगा, तो आएगा। नहीं फैसलाबाद वालों, या मेरे भाई जमीयत के और दूसरे भी बैठे हैं, आप आवाज तो इतनी होनी चाहिए कि पाकिस्तान गूंज उठे, मियां जिदो आएगा, मियां जिदो आएगा। मैं अपना मुकदमा आपके सामने रखना चाहता हूं। नवाज शरीफ को जब यह पाकिस्तान मिला 16 16 18 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, 6 धमाके रोज हुआ करते थे, फाटा हो या कोयटा, कहीं पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले महफूज नहीं थे। कराची में निकलने वाला स्कूल के लिए बच्चा नारा बुलंद करें दिल की गहराइयों से, तेरा वीर मेरा वीर, तेरा वीर मेरा वीर, साजिद अल्लाह का साजिद 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 गुलजार साजिद अमीर मेरा मीर साजिद अमीर मेरा मीर साजिद मीर साजिद में सारे दोस्त शीर रखो सीटा दे। अब क्योंकि कायदीन भी आ रहे हैं, मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। फैसलाबाद के वासियों, 2013 में जो पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को मिला 16-18 घंटे की लोड शेडिंग, रोजाना आधी दर्जन धमाके, और इस मुल्क में कहा जा रहा था कि ये बैंकक्रप्ट होने वाला है, ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। और फिर 3-3.5 साल की मेहनत से
शेडिंग का खात्मा हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम हुआ, स्टॉक एक्सचेंज आसमानों से बातें करने लगी और वो लोग आज तो इस हकदार को भी याद करते होंगे कि वो पाकिस्तान जो बैंकक्रप्ट होने वाला था वो टेक ऑफ कर गया। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो 70 साल में होता है। फिर तकलीफ हुई उन चंद लोगों को कि पाकिस्तान की क्यादत किसी जेन्युइन लीडर, मकबूल लीडर के पास क्यों है, और फिर उस लीडर को उतारने के लिए जो 70 साल में खेल खेला जाता रहा वही नवाज शरीफ के साथ खेला गया। वो खेल पनामा से शुरू हुआ और वो फिर खेल बेशर्मी बेहयाई तक जा पहुंचा। बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाहल कर दिया गया। उसके बाद आपका वोट चोरी किया गया, आपका वोट चोरी हुआ। नवाज शरीफ, नून लीग या हमारी जमात को तो यह नुकसान हुआ कि हम इख्तदार से बाहर हुए, मगर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? 70 साल में चीनी 55 की, 3 साल की तब्दीली में 110 की, आटा 35 का और 3 साल में वो 80 रुपए का, घी 140 का, 3 साल में 340 का, डॉलर आसमान से बातें करता है, स्टॉक एक्सचेंज जमीन बोस है, पाकिस्तान की इज्जत बलिया मेट है। मेरे भाइयों, वोट चोरी हुआ, वोट चोरी होने से सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत भी चोरी हुई, कश्मीर भी चोरी हुआ और गरीब की रोटी भी चोरी हुई। और जो लाने वाले हैं, जो लाने वाले हैं वो भी दर बदर हैं। गरीब रोटी ढूंढ रहा है, लाने वाले समरी ढूंढ रहे हैं। उनको समरी नहीं मिलती उनकी, ना उन ना खान की अपनी इज्जत है, ना मुल्क की छोड़ी और ना लाने वालों की इज्जत छोड़ी है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा सिर्फ एक बात सुना के पीटीआई वाले जहां से भी गुजरते हैं लोग उन्हें इस तरह के इशारे करते हैं। उनको इस तरह इशारे करते हैं जहां से भी पीटीआई वाले गुजरे, इतने बेशरम और ढीठ हैं, कहते हैं कि हमें कहता है 5 साल, लोग कहते हैं और तुम्हारे। वो किसी बाजार में किसी आदमी ने किसी खातून को छेड़ दिया, उसने आगे से ऐसे लानत का इशारा किया तो साथ दोस्त को कहता है, ये कहती है 5 बजे मिलेंगे। ये बेगैरत ऐसे हैं, वो लानत गाल रहे हैं, ये 5 साल समझ रहे हैं। ये आप जब तक नहीं उठेंगे, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये फैसला नहीं करेंगे, जब तक ये क्यादत आपको लेकर इस्लामाबाद नहीं जाएगी, इस बीमारी से जान नहीं छूटेगी। पाकिस्तान की इज्जत बचाओ, गरीब की रोटी बचाओ और इस पाकिस्तान की बुनियादें बचाओ। मेरे नारे के साथ जवाब दें। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम उन्हीं नारों से करना चाहता हूं जहां से आगाज किया था। वजीरे आजम, नहीं 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 नहीं, नहीं। नवाज शरीफ तक आवाज जानी चाहिए। बीबी यहां करीब है, वो जल्दी यहां तक पहुंचेगी। जरा जोर से, वजीरे आजम, वजीरे आजम, वजीरे आजम। हाथ में लेकर हाथ देने पीडीएम का